गाइस, वेलकम बैक अगेन टू न्यू व्लॉग। तो अभी जो है, अभी थोड़ा बहुत बाहर से काम आ गया है, कॉल आ गया है, लेकिन अभी ऐसे नहीं निकलेंगे। रूम पूरा मैसी पड़ा हुआ है अभी, तो जल्दी से ये सब बेड वगैरह को सही करना है, साफ़ सफाई करके रूम का, फिर उसके बाद निकलेंगे बाहर। एक प्लान बना है आज का, मगर वो प्लान को अभी मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि अगर प्लान ड्रॉप हो सकता है, अगर ड्रॉप हुआ तो अभी पोपट ना हो, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। अभी पहले प्लान चालू हो तब फिर बताया जाएगा, अभी ऐसे बताऊंगा पोपट हो जाएगा फालतू, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो चलो फिर पहले रूम अपना सही करते हैं जल्दी से, और फिर निकलते हैं अपना जो प्लान है उसको पूरा करने के लिए। तो जल्दी जल्दी से अपना रूम को हम लोग सही करते हैं। फिलहाल गाइस, वो प्लान जो था वो मतलब 90% ड्रॉप ही होने वाला था, तो वो ड्रॉप हो चुका आखिर में वो प्लान। और बहुत सारे लोग जो है मुझसे ये पूछ रहे थे, मेरे दोस्त वगैरह लोग, कि आप वो जो व्लॉगिंग के लिए मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ वो चीज़ें आप बताओ, कि आप क्या क्या यूज़ करते हो व्लॉगिंग के लिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो। तो चलो फिर आपको बताते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। ये पहले हमारा यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, ये ट्राइपॉड नहीं है, इसको स्नेक पॉड और गोरिल्ला पॉड बोला जाता है। तो ये स्नेक पॉड और गोरिल्ला पॉड है, इसके ऊपर में यहाँ पे ये जो है ये बॉल, इसको बॉल माउंट बोलते हैं। इससे जो है 360, यहाँ से नट खोल के इसे जो है आप 360 घुमा सकते हैं, कहीं भी कैसे भी घुमा सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा मैं माउंट लगा दिया हूँ, एक तो कोल्ड शू माउंट, क्योंकि उस वक्त मुझे तो यार अचानक से कॉल आ गया था किसी का, तो वो वीडियो को मैं वहाँ काट दिया और कॉल अटेंड किया, क्योंकि ज़रूरी कॉल था तो उसको अटेंड करना ज़रूरी था। तो भाई ये है, और इसके ऊपर जो है ये नट वाला है, मैंने वो स्प्रिंग वाला नहीं लिया, स्प्रिंग वाला था मेरे पास मगर मैं स्प्रिंग वाला यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके पहले जो है मेरा वो टूट चुका है गिर के। और अभी आपको दिखाते हैं मेरा माइक जो है वो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। मेरा जो माइक है वो ये देखो इस ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, और ये स्प्रिंग वाला माउंट है इस ट्राइपॉड पे। तो ये जो मेरा माइक है इसको मैं मतलब बाहर से जाता हूँ तब यूज़ करता हूँ, अभी फ़िलहाल तो घर पे जो है ये मेरा फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा फ़ोन है Realme X2 Pro, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, तो ये वो वाले से रिकॉर्ड हो रहा है। और ये वाला जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ, ये है बोया का डबल M1, इसकी ब्रांडिंग कहाँ गई, ये रही बोया का डबल M1 माइक है, ये शॉटगन माइक है। और ये मैं बाहर इसलिए यूज़ करता हूँ, इसके अंदर जो केबल है ये डायरेक्ट फ़ोन में लग जाती है। और ये मैं बाहर इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जैसे ये मैं कहीं पे व्लॉग कर रहा हूँ पब्लिक प्लेस में, तो सामने से जो है मैं ऐसे इसको, अगर मैं इसको ऐसे रख के शूट कर रहा हूँ तो ये सिर्फ मेरी आवाज़ सुनेगा, ये सिर्फ मेरी आवाज़ को कैप्चर करेगा, पीछे की आवाज़ को थोड़ा दबा देगा, मेरे से कैप्चर करेगा बहुत थोड़ा थोड़ा लेकिन। तो इसलिए इसको मैं पब्लिक प्लेसेस पे यूज़ करता हूँ, और जो ऐसे नॉर्मल प्लेसेस रहता है वहाँ पे मैं सिंपली अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर देता हूँ, और कुछ नहीं है ज़्यादा इतना सेटअप में, बस ये एक फ़ोन है, एक ये स्नेक पॉड है, ये जो ये पड़ा हुआ है ये स्नेक पॉड है, और ये बोया का डबल M1 माइक है जो कि मैंने अभी जल्दी ही लिया है। पहला वाला ख़राब हो चुका था और ये वाला अभी लिया हूँ मैं, 2500 कुछ रुपए का है ये माइक। तो बस यही था, इतना ही था व्लॉगिंग सेटअप में। और फिलहाल तो आज बहुत सारा काम था, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना था, और उसका अभी तक प्रिंट आउट भी ले नहीं पाया हूँ यार, मैं क्या ही बोले इतना बिजी, तो वो मैं ले नहीं पाया हूँ अभी तक, अभी पता नहीं कब जाऊँगा उसे प्रिंट आउट लेने में। और फिलहाल अभी 7:30 बजे एक मीटिंग भी है उस पर जूम पे, तो उस मीटिंग को भी अटेंड करना पड़ेगा पहले, नहीं तो फिर अपने को दिक्कत हो जाएगा। तो चलो फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद मिलते हैं, आज जिम कैंसिल करना पड़ेगा, अभी मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। चलो फिर मीटिंग के बाद आपसे मिलते हैं।